गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एमएसएमई योजना की समीक्षा। कहा, वर्चुअल फेयर के माध्यम से उद्यमी बनाए अपने प्रोडक्ट का बाजार। रुपए के लेन देन में प्रॉपर्टी डीलर के साथियों ने ही की थी उसकी हत्या। एसपी नॉर्थ ने 12 घंटे के भीतर ही सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा, 4 अभियुक्तों को गिरफ्त में लेकर भेजा जा रहा है जेल, मुख्य आरोपी की तलाश है जारी। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में कैंपियरगंज तहसील में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। आए कुल 80 मामलों में से 4 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। मंडलायुक्त ने कहा, फरियादियों की समस्याओं का त्वरित गति से किया जाए निस्तारण। त्योहारों के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे स्टेशन पर किया गया मॉक ड्रिल, परखी गई स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोला तहसील में आयोजित हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। जनता की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश। त्योहारों के मद्देनजर ट्रेनों और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के खोले सभी प्लेटफॉर्म, खान पान की भी दुकानें खोलने की दी इजाजत। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही यात्रा कर सकेंगे यात्री। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है रेलवे प्रशासन। राम की नगरी अयोध्या में ऐतिहासिक रामलीला में सांसद व अभिनेता रवि किशन ने निभाई भरत की भूमिका। कहा, प्रभु राम और भरत के आदर्शों से प्रेरणा ले जनता। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में आयोजित हुआ तहसील संपूर्ण समाधान दिवस। एसडीएम सदर ने कहा, अधिकतर आए भूमि और राजस्व विवाद के मामले, कुछ मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। शेष के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले महानगर के संभ्रांत नागरिकों से विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर ने की अपील। कहा, सुबह 8 बजे के बाद विश्वविद्यालय परिसर में बेवजह घूमना पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंधित। एसडीएम सदर गौरव सिंह सुग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापकों की बैठक। मिशन शक्ति और कोरोना काल में कक्षाओं के संचालन को सुचारू ढंग से संचालित करने पर हुई चर्चा। एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में व्यापारी प्रकोष्ठ की मासिक बैठक हुई संपन्न। व्यापारी बंधुओं से उनकी समस्याओं पर विस्तार पूर्वक की गई चर्चा, निस्तारण के दिए निर्देश। जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर। भर्ती मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड के लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें मिलेंगी सारी सुविधाएं। सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी किया गया नियुक्त। एक नई आशा के तत्वाधान में महानगर के बेतिहाता स्थित श्याम पार्क में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया वृहद पौधारोपण। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए लिया गया संकल्प। महिवा मंडी में आलू प्याज के दामों में आई भारी उछाल। आलू पहुंचा 36 रुपए और प्याज 65 रुपए के पार। आढ़तियों ने कहा, दाम के बढ़ने की है अभी और संभावना। जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन एआरवी हुई समाप्त। प्रबंधन ने इसकी चस्पा की नोटिस। बिना इंजेक्शन लगवाए लौटे मरीज। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कहा, शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी वैक्सीन। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 133 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,247। एक्टिव मरीज हुए 1,388। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। आर्यनगर रामलीला में मंगलवार को हुआ भरत द्वारा प्रभु श्री राम का चरण पादुका लेकर लौटने का मंचन। भरत ने अयोध्या में 14 वर्षों तक चरण पादुका से किया शासन। नवरात्रि पर महिवा मंडी फलों के दामों में हुई बढ़ोतरी। फल विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री ने कहा, आवक है भरपूर लेकिन बिक्री है फीकी। दशहरा पर बोनस की घोषणा नहीं होने पर प्रधान डाक घर के कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। बोनस की घोषणा करने की मांग। 4 सूत्री मांगों को लेकर के पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को पूरा करने की मांग।
और नवरात्र के चौथे दिन गोरखनाथ मंदिर के शक्ति पीठ में हुआ मां कुष्मांजा देवी का पूजा अर्चना, आरती के बाद हुआ प्रसाद वितरण।